जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। प्यारे देशवासियों, आज हमारे देश में जो संकट उपस्थित है कोरोना वायरस का, इसको हम बहुत हल्के में ले रहे हैं। यह बहुत भयंकर और बहुत ही आक्रामक बीमारी है। एक छोटा सा वायरस जो किसी भी प्रकार से चलने फिरने में सक्षम नहीं है, जो शक्तिहीन भी है, मात्र 20 सेकेंड के साबुन में हाथ धोने से नष्ट हो जाता है, उस छोटे से वायरस से हम जीत नहीं पा रहे। यह छोटा सा वायरस जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो भयंकर रूप धारण कर लेता है, शक्तिशाली बन जाता है, हमारे शरीर के सारे सिस्टम को तहस नहस कर देता है और यहाँ तक कि इसमें शाम तक पहुँचाने में सक्षम होता है। इस वायरस से हम जीत नहीं पा रहे, लड़ नहीं पा रहे। दिन प्रतिदिन हमारे देश में इस बीमारी के केस बढ़ते जा रहे हैं और हम सो रहे हैं। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। गवर्नमेंट, सरकार, डॉक्टर हमें प्रेरित कर रहे हैं, हमें जागरूक कर रहे हैं, हमें बोल रहे हैं कि घर में रहो, सावधान रहो, अपना बचाव करो, सुरक्षित रहो, मगर इस बात को हम दरकिनार कर रहे हैं और इसे छोटे में ले रहे हैं, जबकि यह भयंकर बीमारी हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत घातक रूप से अपने आगोश में ले रही है, हम समझ नहीं पा रहे। इसलिए सावधान हो जाइए, आज भी वक्त है। यदि यह बीमारी भयंकर रूप धारण करके भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया इसने, तो हम इससे बच नहीं पाएंगे। जो लोग सरकार की बात को अनसुनी करते हैं, मानते नहीं हैं, किसी भी कार्य के ना होने पर भी बाहर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, सरकार की जो निर्देश है उनको दरकिनार करते हैं, ऐसे लोग समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए बहुत घातक हैं। हम अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए घातक ना बने, समाज के अच्छे एक नागरिक बने। हम अपने परिवार की सुरक्षा रखें, हम अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। इसी में समाज की, देश की भलाई है। घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। यदि कोई आवश्यक कार्य नहीं है तो कदापि घर से बाहर ना निकलें, और यदि निकलते हैं तो सुरक्षा के सभी प्रयासों को करते हुए आवश्यक हो तो ही जाएं, वरना घूमने फिरने के उद्देश्य से या मनोरंजन के उद्देश्य से घर से बाहर कदापि ना निकलें। सरकार के, गवर्नमेंट के जो भी दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों का पालन करें। इसी में हमारी सबकी सुरक्षा है और इसी में हम सुरक्षित रह सकते हैं, वरना ये बीमारी हमारे परिवार को, हमारे देश को आगे ले जा कर के क्या कर सकती है, आप भी इस बात को सोच नहीं सकते। इसलिए हम अपने परिवार की, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हुए, समाज का ध्यान रखते हुए, देश का ध्यान रखते हुए सरकार की गाइडलाइंस को मानें और फॉलो करें और गवर्नमेंट के दिशा निर्देशों के आधार पर ही चलें, वरना हम सुरक्षित नहीं हैं। यदि यह भयंकर बीमारी अपना भयंकर रूप धारण कर लेती है तो इससे बचाव के लिए न देश उतना प्रयास कर पाएगा, न समाज प्रयास कर पाएगा, हम शक्तिहीन हो जाएंगे। इसलिए याद रखिएगा, अपने घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और सरकार, गवर्नमेंट के जो निर्देश हैं उनका पालन करिएगा। इसी में हमारी सबकी भलाई है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।